वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात दो ग्राफ से बताई गई है। इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा समझ लो। दो हाइड्रोजन एटम है, एक इधर रहा, ये हाइड्रोजन मान लो पहला है और ये कौन सा है, दूसरा है। दोनों काफी डिस्टेंस पे हैं, दूर दूर हैं, इनके बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है। यहाँ पे दिखाया गया है डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब होता है न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिखाया गया और इस जगह पे, इस एक्सिस पे क्या दिखाई गई है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। धीरे धीरे दिखाया जा रहा है कि डिस्टेंस कम हो रहा है, सिस्टम इधर से इधर आ रहा है, डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। जब डिस्टेंस कम हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किसमें है, नेगेटिव में है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है, इस तरीके से दिखाया गया। ठीक है, तो इधर से इधर जब हम आ रहे हैं तो नेगेटिव में वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब इधर से इधर डिस्टेंस कम हो रहा है तो आप देख रहे हो जीरो से ये ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, नीचे की तरफ। मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है। यहाँ पे एक मिनिमम डिस्टेंस मिलता है हमें, जिस डिस्टेंस पे ये जो डिस्टेंस है आर इज इक्वल टू 74, मतलब दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 74। ठीक है, तो इस डिस्टेंस पे क्या हो गया, ऑब्जर्व्ड बॉन्ड डिस्टेंस इन H2। H2 का मतलब है अब ये HH ना रहे, ये क्या बन गया, H2 मॉलिक्यूल बन गया। और ये जो मिनिमम डिस्टेंस होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। इस डिस्टेंस को क्या बोलोगे आप, बॉन्ड लेंथ बोलोगे। अगर इससे डिस्टेंस और कम करते हो, यहाँ पे देखो इधर अगर आ रहे हो आप तो डिस्टेंस और कम हो गया। डिस्टेंस जब कम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी इस तरफ जाने लगती है। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे जा रही है, बढ़ रही है, इस तरफ वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है और फिर मॉलिक्यूल क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि अगर बहुत ज्यादा पास आप ले आओगे तो मॉलिक्यूल बना नहीं रहेगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, खत्म हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ेंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए, ये तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए था। एनसीईआरटी में हेलो, अभी आ रही है आवाज? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात की जा रही है। ये डिस्टेंस है मिनिमम डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पे आके H2 मॉलिक्यूल क्या हो गया है, बन गया है, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। नहीं, रिपल्सिव फोर्स काम करने लगेगा ना, इतने पे तो बॉन्ड बन गया। अब और अंदर अगर आप ले जा रहे हो तो क्या करोगे, मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करोगे। एटम बम फिशन से बनते हैं, दूसरा प्रोसेस सिखाएंगे, वो भी आपके सिलेबस में नहीं हो। नहीं, इसको एनसीईआरटी से ड्रॉ कर लेना। एनसीईआरटी दूसरा ग्राफ देखिए, किसके लिए दिखाया जा रहा है, He2 के लिए। किसके लिए दिखाया गया है, He2 के लिए। यहाँ पे क्या होता है कि डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगा, डिस्टेंस यहाँ पे देखिए कम दिखाया गया है, और कम के बाद क्या होता है, सीधे एकदम एग्जैक्टली स्टीप वे में इसकी वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, एकदम से बढ़ जाती है।
एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। सिस्टम की स्टेबिलिटी, एनर्जी और स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एनर्जी जैसे ही बढ़ गई वैसे ही स्टेबिलिटी क्या हो गई, यहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। He2 मॉलिक्यूल में He2 क्या है, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्या रीजन हो सकता है, इनको जब पास लाते हैं तो रिपल्सिव फोर्सेस क्या होते हैं, डोमिनेट करते हैं। अगर इस हिसाब से बताएं तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं ये बताएंगे आप, और अगर ऑक्टेट थ्योरी से बताना चाहें तो क्या बता सकते हैं, हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है तो दूसरे हीलियम से रिएक्ट करना क्यों चाहे, हाइड्रोजन क्यों रिएक्ट करता है दूसरे हाइड्रोजन से, क्योंकि उसके पास वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करके टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाना चाहता है। हीलियम में क्या है, टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑलरेडी है तो जरूरत ही नहीं है उसको। पिछले वाले ग्राफ पे एक सवाल भी आया हुआ है जेई में, चाहो तो बना लो नहीं चाहो, एनसीईआरटी में गिवन है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन करा दें। अब ये नहीं मुझे याद कि एडवांस में है कि मेंस में, शोर नहीं करेंगे, बस 1 मिनट में अगर मिल गया क्वेश्चन तो करा देंगे, नहीं मिलता है तो, नहीं मिलता है तो बाद में कराएंगे। दिख तो नहीं रहा है, लगता है एडवांस में आया है। चैप्टर पढ़ रहे हो तुम लोग? चैप्टर के लिए नोट्स के अलावा अगर जैसे किसी को नोट्स पढ़ने के बाद अगर लगता हो कि हमारे पास इनफ टाइम है और हम पढ़ सकते हैं तो मेरे से अच्छी बुक्स वगैरह भी ले जाया करो, अगर और कंटेंट आपको पढ़ना हो किसी को भी, है ना, तो मेरे पास कई सारी बुक्स हैं। जैसे किसी कॉन्सेप्ट को आपको और समझना है या आपको लगता और करना है तो इसमें मिला नहीं। चलो अब आज हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक और चीज पढ़ते हैं, ओवरलैपिंग। क्या पढ़ना चाह रहे हैं हम, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, मतलब एग्जैक्टली जो मेजर वे में पढ़ने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में, वो पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। किसका पढ़ने वाले हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में किस तरीके से होती है ओवरलैपिंग, इसकी बात करें। ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की बात करना चाह रहे हैं, जिसको हम लोग अभी तक क्लास 10 तक आपको क्या पढ़ाया जाता था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते थे हम लोग, शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो एग्जैक्टली वो शेयरिंग नहीं होती है, वो क्या होती है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, और उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दूसरे के पास आ जाता है और उससे क्या होता है, शेयरिंग हो जाती है, ओवरलैपिंग। समझ रहे हैं? ये देखिए, ये मेरी ये एक हथेली है, ये दूसरी वाली, अगर मान लीजिए ये इस तरीके से ये डिस्टेंस पे है तो ओवरलैपिंग का कुछ चांस नहीं दिखाई दे रहा, दूर दूर है। अगर पास आ गए, पास आने के बाद अगर इस तरीके से हो गए, यहाँ इतने पास है तो ओवरलैपिंग का कुछ चांस है, अगर इस तरीके से हो गए तो ये कुछ पोर्शन ऐसा है जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है ना, अगर ऐसे कर दिया तो कंप्लीट ओवरलैप कह सकते हो, कंप्लीट ना कहो तो पार्शियल भी कह सकते हो, है ना, इसको पार्शियल कह सकते हो। पार्शियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इधर थंब आ गया है और इधर पे ये थंब आ गया, तो कंप्लीट ओवरलैपिंग तो नहीं है, कंप्लीट बोलनी है तो ऐसे भी कह सकते हैं, है ना,
पूरा ओवरलैप हो गया। लेकिन जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या होता है, ऑर्बिटल थोड़ा सा अपने किसी पोर्शन से किसी दूसरे ऑर्बिटल के दूसरे पोर्शन को ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने में क्या होगा, इस ऑर्बिटल के पास जो इलेक्ट्रॉन है और इस ऑर्बिटल के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ आ जाएंगे और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसी को हम बोलेंगे ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग के थ्रू क्या बन जाएगा हमारा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ओवरलैपिंग हम पढ़ना चाह रहे हैं कितने तरीके की होती है। पहले डेफिनेशन लिख लो जरा ओवरलैपिंग की, ओवरलैपिंग की डेफिनेशन लिखते हैं। When two atoms comes closer, then atomic orbital कवर अप या कवर्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अदर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अदर ऑर्बिटल इट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग इन दिस कॉन्सेप्ट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच हैव अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन आर पार्शियली ओवरलैप ईच अदर। उन उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो सकती है जिसमें अपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन हो। जैसे मान लीजिए एक के लिए एस एस स्पिन क्वांटम नंबर होता था ना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू मान लीजिए +1/2 है, तो उसके साथ ओवरलैप करने के लिए ऑर्बिटल का कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब कौन सा पार्ट जिसमें जिस पार्ट में -1/2 स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो आकर के उसके साथ क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा। अगर ओवरलैपिंग की बात करें तो ओवरलैपिंग कितने टाइप्स की होती है, लिख लीजिए टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब इस ओवरलैपिंग के हम क्या पढ़ रहे हैं, पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। पहला टाइप को क्या बोलेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन में हम तीन तरीके का देखेंगे, एक को बोलते हैं एसएस, एक को बोलेंगे एसपी दूसरे को बोलेंगे पीपी। ऑर्बिटल कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी बेसिस पे नाम है ये, देखिए ध्यान से। जिस
जैसे एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, आपको पता है। एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा हो, ये जो एरिया होगा ये क्या है, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग। एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है तो इसको कौन सी ओवरलैपिंग बोलेंगे, एस ओवरलैपिंग। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फेरिकल है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कैसा है, स्फेरिकल। कुछ एरिया ऐसा है जो दोनों का क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। इस ओवरलैपिंग वाले एरिया में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन का होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन का होगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम समझे H2 मॉलिक्यूल की बात करें, किसकी बात करें, H2 के फॉर्मेशन की, तो हाइड्रोजन में एक एटम में क्या होता है, 1s1 होता है। दूसरा जो हाइड्रोजन एटम होगा उसमें भी 1s1 होगा, दोनों के 1s और 1s के बीच में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी। तो ओवरलैपिंग इसी टाइप की होगी, इसको 1s कह सकते हो, दोनों हाइड्रोजन के ले सकते हो, क्लियर है बात। मान लो ये एक हाइड्रोजन का है ये वाला, और ये दूसरे हाइड्रोजन का है, तो 1s और 1s के बीच में ओवरलैपिंग हुई और क्या बन गया हमारा, फॉर्मेशन किसका हो गया, H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल में पूछे कि कौन सी ओवरलैपिंग होगी तो क्या बताएंगे, SS ओवरलैपिंग। नेक्स्ट है आपकी SP ओवरलैपिंग, दूसरी वाली कौन सी है, SP मतलब एक ऐसा ऑर्बिटल और दूसरा कौन सा ऑर्बिटल होगा, पी कैसा होता है, इस तरीके, एक एस और दूसरा कौन सा ऑर्बिटल है, पी, ये कौन सा एरिया हो गया, ओवरलैपिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कह सकते हो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या क्या कह सकते हो, ओवरलैपिंग एरिया कह सकते हो। SP ओवरलैपिंग का एग्जांपल देखते हैं, ये स्लाइड हो जाए तो बताइए। SP ओवरलैपिंग का एग्जांपल देखते हैं। मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी एटम से तो अलग हो ही जाएगी, हाइड्रोजन एटम की अलग प्रॉपर्टीज है, मॉलिक्यूल बन गया तो अलग, ठीक है। मान लो ये एस का ऑर्बिटल था, इसमें एक अपोजिट स्पिन वाला ये वाला इलेक्ट्रॉन था, एक एस ये था एक एस ये था, इस तरीके से पड़े हुए थे, है ना। यहाँ पे स्पिन ये था, यहाँ पे कैसा स्पिन था, ये वाला। अब जब H2 मॉलिक्यूल बना तो यहाँ पे क्या चीज बन गई, एक ये स्पिन साथ आ गया, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। दोनों स्पिन के इलेक्ट्रॉन भी दिखा दीजिए। SP ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं, एग्जांपल S और P में जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो किस तरीके से होगी। SP ओवरलैपिंग की अगर बात करो तो एग्जांपल ले लो HF मॉलिक्यूल का, किसका एग्जांपल ले लेते हैं, HF। ध्यान से देखिए, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s1 हो गया, यानी कि इसके पास एक एस ऑर्बिटल होगा, वो भी कैसा, स्फेरिकल। ये 1s1 है हाइड्रोजन का। फ्लोरीन को देखिए, फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p5, देख पा रहे हैं। अब 2p5 में आपको पता है p में क्या होता है, px py और pz, तीन ऑर्बिटल्स होते हैं p में, px py और pz, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसा हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन।
देख पा रहे हैं आप, ये तो डबल इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है ऑलरेडी। बॉन्डिंग किस लिए होती है? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। अल्टीमेटली होता क्या? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। यहां पे इलेक्ट्रॉन है एक, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा? हाइड्रोजन के 1s में होगा। एक हाइड्रोजन के 1s में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ, और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? pz में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो इसका pz आएगा, px py pz किस तरीके से होते हैं? px py pz जो तीनों ऑर्बिटल्स होते हैं, वो तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। ये सबको मालूम है पोजीशन। अगर एक को मान लो, इसको आपने बोल दिया मान लीजिए pz, इसको बोल दिया आपने px, और इसको बोल दिया आपने क्या? py। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अपना कैसे है? py में कितने हैं? दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। px में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं? दो पड़े हुए हैं इसमें। और pz में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं? सिंगल एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ। ठीक है, तो ओवरलैपिंग के लिए कौन जाएगा? ओवरलैपिंग के लिए कौन जाएगा? pz जाएगा। f फ्लोरीन का ओवरलैपिंग के लिए कौन सा ऑर्बिटल जाएगा? pz चला जाएगा। और यहां से कौन सा आएगा? 1s1 आएगा। 1s1 का शेप वही है, ये हाइड्रोजन का है, और फ्लोरीन का ये आ जाएगा, ये वाला pz वाला। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये इस स्पिन का है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए किसी का इस स्पिन का है और दूसरे का इस स्पिन का। ये ओवरलैपिंग का एरिया है, ये एफ है। एफ का ये कौन सा ऑर्बिटल है? pz। pz भी नहीं बोलेंगे, कौन सा pz बोलेंगे? 2pz। क्या नाम देंगे ऑर्बिटल को? 2pz। और हाइड्रोजन का ये कौन सा है? 1s। 1s1 ना लिखें, 1s। 1s और 2pz के बीच में क्या हो गई? ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो गई, और मॉलिक्यूल कौन सा बन गया? HF। ओवरलैपिंग का नाम क्या है? SP। क्लियर होती है बात? SP जो ऑर्बिटल यूज होंगे उसकी बेसिस पे नाम। क्लियर हो गई बात? Yes। अब पीपी ओवरलैपिंग की बात करते हैं हेड ऑन। क्या हो गया? SP हो गई, SS हो गया, SP हो गया। अब पीपी की बात करते हैं। पीपी पीपी ओवरलैपिंग की बात करते हैं। पीपी ओवरलैपिंग में क्या होगा? पीपी ओवरलैपिंग में दो पी ऑर्बिटल्स इस तरीके से ओवरलैप करते, दो पी ऑर्बिटल्स क्या होंगे? एक दूसरे से इस तरीके से ओवरलैप करते। इस ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे हम लोग? हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। ध्यान से देखो, अभी दूसरी वाली टाइप बताएंगे तो आपको समझ आएगा हेड ऑन और साइड साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या डिफरेंस। एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको बनाना है F2 मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल बनाना है? F2। तो F2 मॉलिक्यूल में हमें पता है F और F के बीच में बॉन्ड बनता है सिंगल। कैसा बॉन्ड बनता है? सिंगल। क्यों सिंगल बॉन्ड बनता है? क्योंकि फ्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो बगल वाले फ्लोरीन से शेयरिंग कर लेता है एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो 8-8 उसका कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट रूल से तो ये प्रूव कर दिया हमने। ओवरलैपिंग की अगर बात करो तो दोनों जो फ्लोरीन एटम होंगे दोनों में सेम कॉन्फिगरेशन होगा, 1s2, 2s2, 2p, 5। तो p में यही वाली सिचुएशन होगी, दोनों
दोनों 2p में यही सिचुएशन होगी, एक फ्लोरीन और दूसरे फ्लोरीन में, कौन सी सिचुएशन? ये इसका 2pz है, ये 2pz, ये 2px, ये 2py कह सकते हैं, px py pz ऑर्बिटल। ये एक फ्लोरीन का है, इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दूसरे फ्लोरीन का भी ऐसा ही होगा, तो ये किस में चला जाएगा, ये वाला ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग में जब जाएगा तो किस तरीके की ओवरलैपिंग होगी? ये है पी जेड, ये है पी जेड, दोनों किसके हैं? क्लोरीन के। इनके बीच में क्या हो गई? ओवरलैप। ठीक, हाँ। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब पी जेड पी जेड की ओवरलैपिंग हो रही, तो पी एक्स और पी वाई कहाँ पे बैठे हुए हैं? पी एक्स पी वाई जहां पे थे वहीं पे रहेंगे। इसका जो पी एक्स है, मान लो पी एक्स ये, तो पी एक्स ऐसे का ऐसा बना रहेगा, पी वाई भी ऐसे का ऐसा ही बना, इसका भी पी एक्स उसी तरीके से पड़ा हुआ है और पी वाई भी उसी तरीके से पड़ा हुआ। पी एक्स और पी वाई में ओवरलैपिंग क्यों नहीं हुई F2 मॉलिक्यूल के बनाने के लिए? एक तो एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जरूरत थी, दूसरी चीज यहाँ पे देखो, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा फ्लोरीन होगा उसमें भी पी एक्स पी वाई क्या है, डबल इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरलैपिंग किसके बीच में होती है? सिंगल इलेक्ट्रॉन के बीच में होती है। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा किसी ऑर्बिटल में तब ओवरलैपिंग होती है, डबलिंग करने के लिए ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं पे डबल इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी के साथ ओवरलैप करेगा, नहीं। क्या ये वाला? ये एक फ्लोरीन है ना, तो अब दूसरे वाले में स्पिन क्या हो जाएगा? अपोजिट वाला आ जाएगा, हाँ अपोजिट आ जाएगा। क्लियर है? F2 मॉलिक्यूल समझ आ गया? ये पी नोट कर लो, दिमाग चल रहा है आप लोग का कि बंद हो गया? चल रहा है पक्का? बादल इज ए स्पेशल चाइल्ड ऑफ, स्पेशल ही है, मामला ही अलग है बादल का। बादल तो फिर अब देखो, पीपी ओवरलैपिंग में एस एस की ओवरलैपिंग इसी तरीके से होगी, एस पी की ओवरलैपिंग इसी तरीके से होगी। पीपी ओवरलैपिंग दो तरीके की होती है, एक ये वाली थी जिसको हमने कौन सी ओवरलैपिंग नाम दिया था, हेड ऑन। दूसरी जो ओवरलैपिंग होती है उसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज। पीपी होती है ज्यादा इसमें होती है, इसलिए हम लोग मेजर वे में किसको पढ़ रहे हैं? एसपी को। पीपी ऑर्बिटल में कौन सी ओवरलैपिंग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? लेटरल ओवरलैपिंग, या इसी को हम लोग बोलते हैं साइड बेस ओवरलैपिंग। ये क्या होगी? जैसे पिछले केस में जहां पे भी पी ऑर्बिटल हमने यूज किया था, पीपी ओवरलैपिंग में भी या एसपी ओवरलैपिंग में भी, कौन सा पी ऑर्बिटल यूज किया था? पी जेड। लेकिन जहां पे भी बात आ जाए, जब भी आपको बोल दिया जाए लेटरल ओवरलैपिंग, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि एस ऑर्बिटल भी नहीं करता है लेटरल ओवरलैपिंग, और पी ऑर्बिटल में
भी आपका केवल px और py जो होते हैं वो ही करते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे पहला ही पॉइंट डाल लीजिए, पहला ही पॉइंट स्टार बना के लिख लीजिए, ओनली px एंड py ऑर्बिटल डू लेटरल ओवरलैपिंग। केवल px और py जो होंगे वो कौन सी ओवरलैपिंग करेंगे? लेटरल। लेटरल ओवरलैपिंग में होता क्या है, देखिए किस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। मान लीजिए कि ये एक किसी का px है, किसी एक एटम का, एटम नंबर वन है, ठीक। इसी की एक्सिस पे दूसरे एटम का px आ जाए, ये अदर एटम का px है। ये दोनों आप इस तरीके से, ये ऑर्बिटल है मान लीजिए लीफ लाइक डम्बल शेप, ये दोनों अब इस तरीके से, पहले जो ओवरलैपिंग हमने बताई थी वो किस तरीके से बताई थी, ऐसे। अब कैसे हो रही है? साइड से हो रही है। जब साइड से ओवरलैपिंग होती है, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, तो किस तरीके का क्लाउड आपको दिखेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एक ये है ऑर्बिटल, दूसरा वाला इसको ओवरलैप इस तरीके इक्वल बनाने हैं। मैंने थोड़ा सा कैसा बनाया, ये ओवरलैपिंग का एरिया है, देख पा रहे हैं? इसको बोलते हैं, ये ऊपर नीचे बन गया, ये सीधा बनेगा यहाँ पे। ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होती है, ये वाली इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर भी एक ओवरलैपिंग का एरिया दिखेगा साइड वाइज ओवरलैपिंग में, और एक नीचे भी दिखेगा। तो दो ओवरलैपिंग के एरिया दिख रहे हैं। एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ से अटैच हो रहा है? दो जगह से अटैच हो रहा है। इस तरीके से देखिए, मान लीजिए ये एक ऑर्बिटल है और ये दूसरा है, तो दो जगह से ओवरलैपिंग हो रही है। मान लीजिए इधर नीचे से भी हो रही है और इधर से भी हो रही है, दो तरफ से अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो दो जगह इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप कर रहा है। तो ऊपर भी, ये अगर बीच की एक्सिस है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो ऊपर की तरफ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैपिंग का दिखेगा और नीचे की तरफ भी दिखाई देगा। जबकि जो प्रीवियस जितने केसेस हमने पढ़े उसमें ऑर्बिटल के बीच में दिख रहा था शेयरिंग वाला एरिया, ना ऊपर और ना नीचे। ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोली जाती है, ये क्या है? इस एक्सिस के अलोंग ये लोग क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे दिख रहा है? एक अबव भी दिख रहा है और एक नीचे की तरफ भी दिखाई दे रहा है। दो जगह से एरिया ओवरलैपिंग हो रही है ना। इसका एक और डायग्राम होता है, वो बना के दिखाते हैं। इसको ऐसे भी दिखाते हैं, देखिए ध्यान से। ये एक्सिस है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा दिखा देंगे और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये ओवरलैपिंग का एरिया। बनाना लाइक नहीं दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? हाँ, काजू लाइक। ये एरिया दिखाया गया ओवरलैपिंग का, ऊपर का और नीचे। तो पाई जो ये आपका बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग, उसको ऐसे भी दिखाया जाता है और इस तरीके से भी। ठीक है, तो पता तो होना चाहिए। चलिए, ऐसे वाला ज्यादा सही लग रहा है, हमारी पसंद से नहीं होता है ना। क्लियर है बच्चों? एग्जाम्पल देख लें इसका, पीपी का, पीपी का, पीपी साइड वाइज का।
पी क्या दिक्कत है बच्चों, क्या प्रॉब्लम है? बच्चों ऐसे शोर ना करें। चलो देखें एग्जांपल, देखें O2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल देखते हैं। अगर O2 मॉलिक्यूल देखना चाहे हम लोग किससे, साइड वाइज O2 को अगर वैसे बनाओ तो O डबल बॉन्ड O बनता है। ठीक, एक और चीज याद रखो, साइड वाइज ओवरलैपिंग अगर कहीं पे दिख रही है तो वो बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड मस्ट बी डबल और ट्रिपल। बॉन्ड कैसा होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल। ठीक, ध्यान से समझ लो, पहले मोटी मोटी बात समझा दे रहे हैं, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल बना के दिखाएंगे। डबल बॉन्ड अगर है तो डबल बॉन्ड का मतलब दो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बात समझ आती है? तो जो फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा वो बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से। किससे बनेगा? हेड ऑन ओवरलैपिंग से। मान लीजिए किसी केस में दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जो दो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें पहला कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो किससे बनेगा? हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनेगा। और दूसरा जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, सेकेंड कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है? साइड या लेटरल ओवरलैपिंग। बात समझ में आ रही है? अभी एक मॉलिक्यूल बना के दिखाएंगे, ध्यान से देखें। यानी कहीं पे भी अगर डबल बॉन्ड बना हुआ है दो एटम्स के बीच में, तो पहला बॉन्ड किससे बनेगा? लेटरल ओवर हेड ऑन ओवरलैपिंग से। हेड ऑन कौन कौन सी हो सकती है? SS भी हो सकती है, SP भी हो सकती है और PP भी हो सकती है। लेटरल ओवरलैपिंग में कौन सा केस बताया आपको? केवल एक केस बताया, पीपी। अगर डबल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड कैसा होगा? हेड ऑन से बनेगा, और जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो किससे बनेगा? साइड वाइज। ये मोटी मोटी बात दिमाग में समझ में आई? हाँ, आ रहे हैं उसी पे। स्लाइड नोट हो गई, जल्दी नोट करो। अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, क्या बना हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहला बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड किससे बनता है? फर्स्ट बॉन्ड बनेगा हेड ऑन से। दूसरा किससे बनेगा और तीसरा किससे बनेगा? लेटरल से, साइड बाय साइड। क्लियर है बात? बोलो बच्चों। ठीक, कभी कभी आप ऐसा केस भी देखोगे कि एक ही एटम के दोनों तरफ दो डबल बॉन्ड बन गए। मतलब जैसे मान लो ये कार्बन है, इसके इस तरफ भी डबल बॉन्ड है और इस तरफ भी डबल बॉन्ड है,
कार्बन अपने दोनों तरफ क्या बना ले रहा है, डबल बॉन्ड अगर बना लेता है तो इस केस में क्या होता है, इस केस में फर्स्ट बॉन्ड कैसा होगा, फर्स्ट बॉन्ड कैसा होगा, हेड ऑन, दोनों फर्स्ट बॉन्ड कैसे होंगे, ये भी फर्स्ट बॉन्ड हेड ऑन, और सेकंड वाले दोनों कैसे होंगे, अभी मॉलिक्यूल बना बना के दिखाएंगे आपको, तो बात समझ, सेकंड बॉन्ड कैसे होंगे, लेटरल होंगे। बात क्लियर है, बोले बच्चों, ठीक, जहां और रैपिंग के टाइप से स्टार्ट किए उसी पेज पे पहुंच जाइए अपने, जब ये नोट हो जाए। यहां से शुरू किया था ना, यहां से शुरू किया था ना, हेड ऑन ओवरलैपिंग यहीं से शुरू हुई थी। अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए, जो बॉन्ड बनता है उसका एक स्पेशल नेम होता है, सिग्मा बॉन्ड, क्या नाम देते हैं उसको, कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा, सिग्मा ऐसे लिखेंगे। हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी, जहां पे लिखा था ना हेड ऑन ओवरलैपिंग उसके ब्रैकेट में लिख लीजिए बॉन्ड का नाम क्या है, सिग्मा, ठीक है, जेम्स बॉन्ड नहीं, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा। और जहां पे आपने लिखी है लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग जहां पे लिखा है, लेटरल ओवरलैपिंग के साथ क्या लिखेंगे, जब भी लेटरल ओवरलैपिंग होगी, जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई, पाई कैसे लिखते हैं, ये वाले में ई नहीं आता, वैसे सिंबलाइज करेंगे पाई से ही, लेकिन लिखते क्या है, पी आई बोल लिखते हैं और पाई बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है बात। तो लेटरल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलोगे, पाई बॉन्ड, और जो साइड वाइज से, अरे हेड ऑन से जितने बनेंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग, सिग्मा। अभी अभी मैंने बताया कि अगर दो एटम्स के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड बन रहा है, केवल एक बॉन्ड है, दो एटम्स के बीच में अगर एक बॉन्ड है मतलब सिंगल बॉन्ड है, अगर केवल सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो उस बॉन्ड को आप बोलते हो सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि फर्स्ट बॉन्ड अगर दो एटम्स के बीच में पहला कोई बॉन्ड बनता है तो कौन सा बनता है, सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड का क्या मतलब है, डबल बॉन्ड का मतलब है वहां पे पहला बॉन्ड तो सिग्मा बनेगा हेड ऑन से, और दूसरा कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा लेटरल से। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो पहला हेड ऑन से जिसका नाम देंगे सिग्मा, और बाकी दो नीचे वाले होंगे वो क्या बनेंगे, लेटरल से बनेंगे पाई बॉन्ड। क्लियर है बात, ऑनलाइन। इसका मतलब अगर आपको कहीं पे दिया हो सिग्मा और पाई का नंबर बताना किसी मॉलिक्यूल में तो बता लेंगे, आप पहले पीपी की ये O2 का स्ट्रक्चर देख लिया जाए, O2 का स्ट्रक्चर देख लें ओवरलैपिंग से, O2 बनना है तो ऑक्सीजन के दो एटम होंगे, 1s2, 2s2, 2p, एटॉमिक नंबर 6 होता है कि 8 होता है, 2p4 होगा ना, ठीक। चलो भाई पी की सिचुएशन देखते हैं, 1 2 3 4, चार एटम्स हैं, दो अनपेयर्ड दिखाई दे रहे हैं, एक से और
एक मान लो पीएक्स है सपोज, दूसरा पीवाई है और तीसरा क्या है पीजेड। अभी अभी सिखाया आपको कि पीजेड कौन सी ओवरलैपिंग करता है, हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब क्या बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये बात सबको क्लियर है। पीवाई कौन सी करता है, लेटरल ओवरलैपिंग। तो लेटरल करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, लेटरल से बॉन्ड बनता है पाई। बनाया जाए स्ट्रक्चर O2 का, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर बनाने को कहेंगे तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आपको, अगर आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाना है कौन से कॉन्सेप्ट से, ऑर्बिटल दिखाने हैं आपको, तो आपको जहां पे बॉन्डिंग हो रही वही दिखाना है। ये 1s 2s इनको नहीं दिखाना, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको ही दिखाना। तो ये ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का एटम है मतलब ऑर्बिटल है, दूसरे वाले में भी यही सिचुएशन होगी, 2p4 में इसी तरीके की होगी, स्पिन अपोजिट कर देंगे बस। दूसरे वाले में भी यही सिचुएशन होगी, O2 बनना है तो एक ऑक्सीजन इधर से आएगा एटम और दूसरा दूसरी तरफ से आएगा, दोनों में ओवरलैपिंग होगी। तो बनाते हैं 2pz, दोनों के 2p बनाते हैं दोनों ऑक्सीजन। देखो तीन कलर से दिखाए, सतरंगी, सतरंगी बनाया जाए। हाँ अच्छा ठीक है, ये मान लो पीएक्स है, ये पीजेड है, ये पीवाई, ये एक ऑक्सीजन एटम का है, इधर दूसरे ऑक्सीजन एटम का होगा। पीजेड और पीजेड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, अगर O2 मॉलिक्यूल है तो O डबल बॉन्ड O है, पहला बॉन्ड कौन सा बनाना है, सिग्मा। सिग्मा किसके बीच में बनता है, पीजेड और पीजेड के बीच में ही बनेगा, ये दूसरे का पीजेड है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये इसका पीजेड है, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गई। अब यहाँ पे क्या ले ले, तीसरा ऑर्बिटल ले लिया, ये इसका पीएक्स है और ये इसका पी। अब आप बोलेंगे कि मैम इसके इसके बीच में पीएक्स और पीएक्स के बीच में ओवरलैपिंग कैसे होगी, या पीवाई और पीवाई के बीच में कैसे होगी। तो ओवरलैपिंग में ये डायग्राम, क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये एक ऑक्सीजन एटम का है ऑर्बिटल और ये एक का है ना, पर इतनी डिस्टेंस होती नहीं है, बहुत पास होते हैं ये, इतनी ज्यादा डिस्टेंस नहीं होती है। ये तो आपको समझाने के लिए दूर दूर एक ऑक्सीजन एटम का यहाँ बना दिया, एक का यहाँ बना दिया, इतना डिस्टेंस नहीं होता है, वो इजिली ओवरलैप कर लेते हैं, इतने पास होते हैं कि वो इजिली ओवरलैप कर लेते हैं। तो अगर आपको दिखाना है, यहाँ पे हमने दिखाया था किसको, पी वाई में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाया था और पी जेड में, तो पी वाई पी जेड में ओवरलैपिंग होनी है। तो ये पी जेड की हो गई, अब यहाँ पे करा दीजिए पी वाई और पी वाई की, तो ओवरलैपिंग कैसे दिखाओगे, देखो ओवरलैपिंग का एरिया ऐसे दिखाया, इसके और इसके बीच में हो रही है ना, इसको टच नहीं करना है, ऊपर से ले जाना है, ऐसे ओवरलैपिंग क्या। हाँ टच करते हुए होंगे, पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके और इसके बीच में। अब जो पाई बॉन्ड बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, तो कैसे दिखाएंगे, ये पीजेड और इसका पीजेड कहाँ गया, पीवाई कहाँ गया, ये ऐसे दिखाते हैं, ओवरलैपिंग का डैश डैश करके, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसका
जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसका उसको टच नहीं करना है डायग्राम बनाते। एक ओवरलैपिंग का एरिया ये है, दूसरा ओवरलैपिंग का एरिया कौन सा दिखाया, इनके और इनके बीच। अब देखो ध्यान से, ये बात क्लियर है सबको, O2 का बनना ऑनलाइन। यस अब देखो, हमेशा ओवरलैपिंग होने के लिए एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी है। जैसे मान लो हमने बोला कि एक एक बॉल हम इस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, इस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, है ना, और उधर से हर्ष ने दूसरी बॉल इस डायरेक्शन में फेंकी, ठीक। आप बोल रहे हैं इन दोनों बॉल को क्या करना है, अगर कोलाइड करना है, तो अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक को हम यूं फेंक दें और दूसरी उधर जा रही हो तो कोलाइड कर जाएगी। एक ओरिएंटेशन होना चाहिए ना, दो चीजों को, दो ऑब्जेक्ट्स को अगर कोलाइड करना है या दो ऑब्जेक्ट्स को अगर शेयरिंग करनी है किसी चीज की, तो उनको पास पास तो आना होगा और एक ओरिएंटेशन में आना होगा। ये बात समझाने का क्या मतलब है कि अगर आपको साइड वाइज ओवरलैपिंग का कोई ऐसा केस दिया जाए जिसमें PX के साथ PY की ओवरलैपिंग कराई जाए, इसका PX ले ले और इसका PY ले ले, तो आप बोलोगे ओवरलैपिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि PX और PY एक दूसरे के कितने एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री पे। ओवरलैपिंग किसके बीच में होगी, PZ PZ के बीच में हो सकती है, PX PX के बीच में होगी, PY PY के बीच में होगी। अगर आप बोलते हो कि PX और PY के बीच में करा रहे हैं तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लो एक को बोला, एक का ये PX है और इसके पास दूसरे का PY लेके चले आए, ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, नो जीरो, या इसी को बोलते हैं नो ओवर बॉन्ड बनेगा, नहीं। नहीं। लिख लीजिए, जीरो ओवरलैप या नो, मतलब ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन भी होनी चाहिए। सुहानी को बोला मेरी तरफ बॉल फेंको, अब सुहानी मान लो अपने से पीछे बॉल फेंक रही है ना, तो कहाँ जाएगी, किसी और के पास जाएगी, मेरे पास थोड़ी आएगी, फ्रंट में तो आएगी नहीं, तो ओरिएंटेशन खराब हो गया ना। तो रिजल्ट आएगा, आएगा कुछ नेगेटिव आ सकता है, बॉल का तो आ ही सकता है, कहीं और लग जाए किसी को। हाँ भाई साहब बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? तो ये जो बॉन्ड बना था इसको क्या नाम दिया हमने, सिग्मा, लिख लो यहाँ पे सिग्मा। और ये बॉन्ड को क्या बोला था, अच्छा दो पाई बॉन्ड नहीं है, ऐसा कुछ कंफ्यूज ना होइएगा कि ऊपर भी ओवरलैपिंग हो रही, नीचे भी एक ही ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, दोनों को मिला, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम पाई बॉन्ड के। अब बना लेंगे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑनलाइन। अथर्व, अथर्व क्या हो गया आज आपको, अथर्व बेटा, अथर्व जी माइक खराब है क्या, तबीयत खराब है अथर्व, अब आ रही है, बोलिए। चलो अब मेरे को एक मॉलिक्यूल बना के आप दिखाएंगे, फिर दो मॉलिक्यूल मैं बना के दिखाऊंगी। कौन बोल रहा है, हमने बना CH4 प्लस क्या हो गया, नहीं CH4 रहने दो, CH4 में दिक्कत होगी, सिंपल देते हैं ना, H2O बनाते हैं, H2O बनाओ। चलो बॉन्ड मैं दिखा दे रही हूँ, एच और ओ के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल। साक्षी पांडे बोर्ड पे ध्यान दे, बनाए जल्दी से बनाए।
तो बनाओ ना, दो सिग्मा बनेंगे ना भाई। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड बोले तो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बोले तो सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा है और ये भी सिग्मा है, बना दीजिए। स्ट्रक्चर बनाना है आपने ऑर्बिटल का। दो तरफ से ओवरलैपिंग होगी ना ऑक्सीजन की। कैसा कुछ हो हाँ, कुछ इस टाइप का बनेगा। बनाइए ढंग से, थोड़ा तरीके से, कुछ भी ना बनाए, ढंग से बनाए। लास्ट वाला पता नहीं क्या बनाए। एक और वाइटल एक ही जगह से तो ओवरलैप करेगा, दो जगह से कैसे करवा दिया? एक और वाइटल एक ही जगह से करेगा वो। क्या ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए पी में? देखो पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? इधर इलेक्ट्रॉन दिखाए ना, कितने इलेक्ट्रॉन है? ये वाला है। ये पी एक्स है, ये पी जेड कहाँ चला गया? तीनों ऑर्बिटल 90 पे दिख रहे हैं, बनाओ ढंग से। कुछ भी बना रहे हैं, बना दिया, बच्चों ऑक्सीजन को बीच में रखना है। ऑक्सीजन के साथ कौन ऑर्बिटल आ रहा है? हाइड्रोजन का आ रहा है। हाइड्रोजन में क्या होगा? एस ऑर्बिटल। ऑक्सीजन में देखिए क्या है, 1s2, 2s2, 2p4 है ना ऑक्सीजन में। यही तो 2p4 है, तो पी में कितने होगा? ये है, दूसरे के ऐसा आएंगे ना, पी कहां से लाए? साइड वाइज तो ओवरलैपिंग दिखानी नहीं है, डबल बॉन्ड है ही नहीं। दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे एक ये बॉन्ड है, एक ये। चलो बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो बच्चों, बोर्ड पे देखो। ऑक्सीजन में देखिए, एक को पी जेड ले लो, एक को पी एक्स ले लो, एक को पी वाई ले, ठीक है? क्या Z को तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनवाओगे ना? हाँ, PX PY में इंटरचेंज कर सकते हो। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का PZ और PX में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये रहा मान लो PX, और ये वाले को क्या मान लो? PZ। इधर वाले को क्या मान लिया? PY, ठीक है? तो PZ के साथ एक हाइड्रोजन आ गया एसोसिएट होने के लिए, और PX के साथ एक हाइड्रोजन आ गया एसोसिएट होने के लिए। हाइड्रोजन का S ऑर्बिटल है,
दो जगह ओवरलैपिंग हो गई, खेल खत्म। क्लियर है ये बात? क्लियर है? ये हमने किससे बनाया? सिंपल और वाइटल कॉन्सेप्ट से बनाया। अभी हम लोग क्या सीखेंगे? अब हम सीखने वाले हाइब्रिडाइजेशन। पीजेड को केवल सिंगल बॉन्ड में यूज कर सकते, एक्स और वाई को सिंगल में भी यूज कर सकते हो, डबल में। चलो लिखो, स्टार बना के पॉइंट लिखो। सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट एलोन। एलोन का मतलब है विदाउट पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड ऐसा भी हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में कि उस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड ना बने, केवल सिग्मा बॉन्ड बने, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलते हो पाई बॉन्ड की बात, तो पाई बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सिग्मा बॉन्ड। मतलब अगर कहीं पाई बॉन्ड बन रहा है तो आप क्या बोलोगे? उसके पहले एक सिग्मा बॉन्ड बना होगा जरूर, ठीक है। मतलब जहां पे पाई बॉन्ड बन रहा है वहां पे सिग्मा बॉन्ड होगा ही होगा, और जहां पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वहां पे आप ये कह सकते हो कि पाई बॉन्ड हो भी सकता है और पाई बॉन्ड नहीं भी हो सकता है। अभी अभी मैंने आपको समझाया, दो एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड। दो एटम्स के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वहां पे पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, दूसरा बॉन्ड पाई होगा। दो एटम्स के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड सिग्मा और बाकी जो दोनों बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे? पाई बॉन्ड होंगे। इसका मतलब अगर कोई स्ट्रक्चर आपको दिया हो तो वहां पे सिग्मा और पाई बॉन्ड आप क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसमें कितने सिग्मा कितने पाई कर सकते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए ये CH4 मॉलिक्यूल बना हुआ, तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई है? बताइए बच्चों, पाई बॉन्ड कहां पे दिखाई देगा? डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे सारे बॉन्ड कैसे दिख रहे हैं आपको? सिंगल दिख रहे हैं। सिंगल बोले तो सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? चार। पाई बॉन्ड कितने हो गए? जीरो। कोई दिक्कत? चलो स्ट्रक्चर है C2H2। बोलो बोलो कितने सिग्मा कितने पाई? तो तुम लोग स्वेटर पहन के आए। हाँ, किसने बोला था ये स्लाइड पीछे करने के लिए? हो गया C2H2 में बता दो, डना डन बताओ फटाफट। दो सिग्मा, नहीं सॉरी, तीन सिग्मा और दो पाई। हाँ हो गया, तीन सिग्मा दो पाई। ऑनलाइन वाले आंसर दे दें जिनके थ्री सिग्मा टू पाई। देखो यहाँ पे एक सिग्मा, इधर पे एक सिग्मा, यहाँ पे पहला बॉन्ड सिग्मा
और ये दोनों बॉन्ड क्या हो गए पाई, तो कितने सिग्मा हो गए, थ्री सिग्मा। कोई कंफ्यूज तो नहीं है कहीं से, बेंजीन में बता दो C6H6 बेंजीन, इसका स्ट्रक्चर बनाओ खुद से और सिग्मा पाई का नंबर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का जो नंबर है उसका बताना है रेशियो। अच्छा बनाओ, अच्छा बस अपना आंसर बोल दिया, आप चुप हो जाएंगे। पहले ही मैंने बोल दिया स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तभी आपको पता लगेगी चीज। हाँ छह सिग्मा तीन पर, C6H6 का स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर देखेंगे कितने सिग्मा कितने पाई। साइक्लिक स्ट्रक्चर होता कहाँ, स्ट्रेट बनाएं स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, देखो ध्यान से ऐसे बना देते हैं है ना, और अगर पूरा ओपन करके स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, छह कार्बन होते हैं आपस में बात ना करें, सारे हाइड्रोजन से जुड़े हुए होते हैं सिंगल बॉन्ड से, हाइड्रोजन कहीं भी जुड़ा होता है तो किससे जुड़ता है सिंगल बॉन्ड, और एक एक डबल बॉन्ड भी अल्टरनेट में देख पा रहे हैं? तो जहां डबल बॉन्ड है वहां पे पहला बॉन्ड सिग्मा दूसरा बॉन्ड पाई, तो छह बॉन्ड तो रिंग में ही दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 छह बॉन्ड रिंग में हो गए, सातवां बॉन्ड यहां से गिनो ये हाइड्रोजन वाला, 7 8 9 10 11 12 ठीक है, और तीन डबल बॉन्ड हो गए, तीन डबल बॉन्ड हो गए तो तीन पाई हो गए उसकी जगह पे, तो सिग्मा कितने हो गए 12 sigma 3 pi, तो रेशियो कितने का आ गया 4:2 क्लियर है, कोई समस्या, कर लेंगे बड़े से बड़ा मॉलिक्यूल दे दिया जाए बना लेंगे स्ट्रक्चर अगर ना बनाना पड़े तो। चलो बता दो जल्दी से, सक्षम क्लियर है बात, डबल बॉन्ड है तो ये पहला बॉन्ड क्या हो गया सिग्मा, ये पहला बॉन्ड क्या हो गया सिग्मा, दूसरा बॉन्ड क्या हो गया पाई, तो 2 sigma अगर रेशियो निकालना है तो 1:2 बता लेंगे। अब बोले बच्चों हम नहीं बता पाए तो क्या होगा, पिटेंगे और क्या, ये बेंजीन रिंग है, कौन है किसकी आवाज है, NH2 पहले से क्लियर कर दिया, हाइड्रोजन कहीं से भी जुड़ेगा, नाइट्रोजन से जुड़े, कार्बन से जुड़े, किसी से भी जुड़े, सिंगल बॉन्ड से जुड़ता मतलब एक सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर दो हाइड्रोजन है तो 2 sigma, तीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन काउंट कर लो वहां पे सिग्मा बॉन्ड आपको पता है। रुको रुको पूरा मॉलिक्यूल पूरा नहीं हुआ, मॉलिक्यूल तो पूरा करने दो, इसमें बता दो तो हम जान जाए कि
कितने सिग्मा कितने पाई, मिल रहे हम भी सिग्मा ज्यादा नहीं हो रहे तुम्हारे, मेरे तो कम हो रहे हैं। सक्षम के 20 आए, हाँ गिनेंगे, स्त्री के भी गिनेंगे बिल्कुल, हाँ तीन होंगे। ऑनलाइन बताएं आंसर। तौशीद, तौशीद कहाँ से आन बैठे हो, तौशीद पांच पाई कैसे आ रहे हैं, पाई तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां एक एक पाई होगा, चार पाई है, पांच कैसे दिख रहे हैं, चार पाई, चार पाई, पाई बॉन्ड में तो कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है क्या, जितने डबल बॉन्ड उतने पाई, पांच डबल बॉन्ड का सेकंड नंबर वाला बॉन्ड पाई होता है ना, दोनों थोड़ी पाई है, तो पाई बॉन्ड तो क्लियर है, कितने हैं, सबको क्लियर है, चार, ठीक है। सिग्मा काउंट करने में दिक्कत हो रही है, बना देते हैं स्ट्रक्चर, ओपन करके बना देते हैं, देखो हो नहीं, जैसे शैतानी ना करें बच्चों, देखो ध्यान से स्ट्रक्चर देखो, कभी भी अगर चीजें इस तरीके से नहीं समझ में आए तो पूरे स्ट्रक्चर को क्या करना है, ओपन खोल लेना, कार्बन कार्बन को के हमेशा बॉन्ड देख लेने, कितने बनने चाहिए, चार बनने चाहिए, कार्बन पे बॉन्ड कितने होने चाहिए, चार, डबल बॉन्ड वगैरह लगा देते हैं। इधर वाले कार्बन को देखो, एक दो तीन चार बॉन्ड कंप्लीटेड है, हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं, इस कार्बन को देखो एक दो तीन, तो एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, इस कार्बन को देखो एक दो तीन, एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, इस कार्बन को देखो एक दो तीन चार, पूरे हो रहे हैं, नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ पे देखो एक दो तीन, यहाँ पे एक दो तीन, यहाँ पे तो इसके पूरे, इसके और इसके चारों पूरे, क्योंकि इधर से नाइट्रोजन से जुड़ गया, उधर से कार्बन से जुड़ गया, अब जोड़ लोगे, अब तो पूरा स्ट्रक्चर ऊपर तुम कर बना, 20 आ रहे हैं, चलो जोड़ लेते हैं, जोड़ के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कोई छूट जाए तो बोल देना, 8 9 10 11 12 13 ये पूरी हो गई रिंग, 14 15 16 17 18 सक्षम का आंसर सही है, 19 20 सिग्मा, और छूट गया क्या, अब कोई नहीं छूटा है मेरे ख्याल, 20 इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का लोन पेयर रहेगा, हाँ तो लोन पेयर से तो मतलब नहीं है ना सिग्मा पाई का, हाँ लोन पेयर रहेगा ना, नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास, अब बना लेंगे स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर केवल ऐसे देख करके नहीं समझना है, क्या करना है, देखना है हाइड्रोजन भी कितने हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाते तो भी आप काउंट कर लेते, कैसे देखो ध्यान से, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम थी नहीं, इधर पे कोई थी नहीं, इधर पे कोई प्रॉब्लम थी नहीं, दिख रहा था हाइड्रोजन, मैंने बता दिया था सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, जहाँ 2 हाइड्रोजन वहां 2 सिग्मा, जहाँ 3 हाइड्रोजन वहां 3 सिग्मा, प्रॉब्लम किस में थी, रिंग में थी, तो देख लेते, इस कार्बन को देखो
एक दो तीन चार बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगाना। इस जगह पे देखो, एक दो तीन, तीन बॉन्ड दिख रहे हैं, ये विजुलाइज करने सबको आना चाहिए। हमेशा ओपन करके स्ट्रक्चर थोड़ी बनाते रहेंगे वहां पे बैठ के। एक दो तीन बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन आ गया, मतलब एक सिग्मा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखो, एक दो तीन बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी। इस जगह पे देखो, एक दो तीन चार, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जरूरत नहीं। रिंग पे जहां जहां हाइड्रोजन की जरूरत है, वहां वहां एक एक सिग्मा और ऐड हो जाएगा, और बाकी जितने सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं वो तो सिग्मा है। कर लेंगे पक्का? 46 हो गया। अरे एक मिनट, एक मिनट, शोर नहीं करेंगे बस।